हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिब्रील मेरी उस बंदे से तो मुलाकात करा जो इस वक्त दुनिया में अल्लाह का सबसे ज़्यादा आबिद बंदा है, सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला, उससे मिला। हज़रत जिब्रील कहने लगे आइए ले चलते हैं। तो जनाब जिब्रील ले गए। जब लेके गए तो उस बंदे के दोनों हाथ भी कोई नहीं थे, दोनों पैर भी नहीं थे, उसका वजूद सारा तकलीफ़ से कटा हुआ था और उसकी आंखें भी नहीं थीं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, मैंने तो कहा था आबिद बंदे के पास ले आए, आप बीमार के पास ले आए। कहा ये वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा इबादत करने वालों में लिखा है, ज़रा आइए इससे बात करते हैं। गुफ्तगू शुरू हुई। हज़रत जिब्रील कहने लगे आपकी आँखों का क्या बना? तो वो कहने लगा क्या बनना था, जब तक मेरे रब ने चाहा मैं दुनिया देखूं उसने दिखाई, और जब उसने कहा कि अब तेरे लिए बेहतर नहीं तो वो आंखें ले गया, तो जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले डावां, वह ले गया। वो जब तक उसने चाहा मेरे हाथ काम करें तो किए, जब उसने चाहा नहीं ठीक तो वो ले गया, जब उसने चाहा मेरे पैर चले तो पैर चलते रहे, लेकिन अब रब भी चाहता है ना चले, तो अगर वो चाहता है नहीं चले तो ठीक है, हम भी चाहते हैं ना ही चले। खत्म हो गई बात। जिस बात पे रब राजी उसमें हम भी राजी। हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं समझ गया ये वाकई अल्लाह का सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बा। लेकिन यहाँ शिकवे शिकवे, परेशानियाँ ही परेशानियाँ, ज़रा ज़रा सी बात पे तकलीफ़ें, वो आंसू जो सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए बहाने चाहिए, वो हमने अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए, रिस्क के लिए, इसके लिए, उसके लिए हमने वो बहा दिए।